भाई दूज का पर्व दीपावली के पश्चात ठीक 2 दिन बाद यह पर्व आता है। इसे हम भाई दूज एवं यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके मंगल कामना करती है और उनकी आयु की वृद्धि के लिए कामना करती है, घर में खुशहाली के लिए। और भाई भी अपने बहन को यह वचन देते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, सदैव तत्पर रहूंगा, और यमराज को प्रसन्न करते हैं। यमराज का पूजन किया जाता है इस दिन। क्या कुछ कहानी है भाई दूज से जुड़ी हुई? इस पर्व की कहानी जो पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है, जो भगवान सूर्य नारायण जी हैं, जिनकी पुत्री यमुना और पुत्र यमराज, यम जी जो हैं, यह इनका जो कहानियों में उल्लेख है कि भगवान यमराज और यमुना जी ने इस दिन की जो शुरुआत करवाई है, इस दिन ने कहा कि मेरे भाई को मैं कैसे अपने घर पर बुलाऊं, यह तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और ना अपने बहन की रक्षा कर पाते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि भैया, आज मैं आपको भोजन के लिए अपने घर पर बुला रही हूँ, जो भी मैंने व्यंजन बनाए आप उसे ग्रहण करना और इसी उपरांत हम भगवान का पूजन करेंगे। तो उन्होंने मंगल तिलक किया और उनसे आयु की वृद्धि मांगी। यमराज ने सभी प्रकार के अनेक तरह के व्यंजनों का आनंद लिया, व्यंजन उन्होंने ग्रहण किए और प्रसाद स्वरूप अपने बहन ने उनको तिलक किया। बहन ने कामना की कि हे भाई, आप सभी की मृत्यु को हरने वाले बनो, जिनकी भी अकाल मृत्यु उनको दूर करना और सभी की रक्षा करना। इस दिन इसीलिए उन्होंने यम द्वितीया भाई दूज के पर्व की शुरुआत करी कि जो भी इस व्रत को करेगा और इस मंगल कार्य को करेगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और इसी प्रकार से उन्होंने यह वचन दिया कि इस पर्व को आगे जारी रखना।